नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मानसी जोशी। देश के सबसे बड़े राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एनडीटीवी राजस्थान आपको चुनाव से जुड़ी सारी जानकारियां दे रहा है, तो चलिए आज आपको चुनाव से जुड़ा एक सियासी किस्सा सुनाते हैं। ये किस्सा है जैसलमेर में सन 1990 के विधानसभा चुनाव का। जैसलमेर कला, संस्कृति और धरों की धरती के रूप में विशेष पहचान रखने वाला स्वर्ण नगरी है, जो अपने ऐतिहासिक दुर्ग हवेलियों के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। इसके साथ साथ जैसलमेर सियासत के किस्सों के लिए भी जाना जाता है। आज हम बात करेंगे उस सियासी किस्से की, जिसमें जैसलमेर से बीकानेर तक मिठाइयां तो गांधीवादी गोवर्धन कला के लिए बांटी, लेकिन जीत का सहरा बधा राज परिवार के सदस्य जितेंद्र सिंह के सिर पर। ये किस्सा साल 1990 के विधानसभा चुनाव का है। आइए सुनते हैं क्या है ये पूरा किस्सा। कला, संस्कृति और धोरों की धरती जैसलमेर, जिसकी एक पहचान सियासी किस्सों से भी होती है। यहाँ की राजनीति हमेशा गरमाई रहती है और अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसा ही रोचक किस्सा 1990 के विधानसभा चुनाव का है, जब कल्ला की जीत की खुशी मनाते हुए मिठाइयाँ बांटी गई, लेकिन जो जीत का सहरा था वो जितेंद्र सिंह के नाम बंधा और जनता दल से उन्होंने चुनाव लड़कर जो है 2000 मतों से जीत हासिल की थी। वो जो रोचक किस्सा है, क्या किस्सा है, किस तरह कल्ला आगे थे, क्या कुछ हुआ था उस समय? अगर सही मानो तो गोवर्धन जी कल्ला को टिकट मिली थी और पूरे ज़िले में कल्ला का ही हल्ला था, कोई उनके मुकाबले में नहीं था। जितेंद्र सिंह जी जनता दल से टिकट लेके आए थे, बीजेपी की यह परंपरागत सीट थी, तो बीजेपी के लोगों ने बगावत करके जुगत सिंह को निर्दलीय के रूप में खड़ा कर दिया। तो इस तरीके से विपक्ष के वोटों का क्लियर बंटवारा वहाँ दिखाई दे रहा था और जनता के मन में भी कल्ला की सेवा भावना, कल्ला का त्याग और समर्पण के देखते हुए पूरी जैसलमेर की जनता के मन में कल्ला के प्रति एक बहुत सद्भाव का माहौल था और लोगों को लगता था कि कल्ला जी ही जीतेंगे। और कल्ला का इस माहौल में अचानक जब काउंटिंग शुरू हुई तो शुरू से ही कल्ला जी आगे थे। जैसलमेर क्षेत्र का शुरू हुआ परगना, रामगढ़, जैसलमेर शहर, यूँ करते करते आगे 15,000 वोटों से कल्ला जी आगे हो गए और लोगों के मन में विश्वास हो गया कि अब ये लीड टूटने वाले नहीं है। लगभग ऐसा ही होता है कि 15-20 हज़ार की लीड के पश्चात चुनाव कम लोग हार पाते हैं। लोगों में खुशी का माहौल हो गया। शहर में गोपा चौक, जो शहर की हृदय स्थली है, वहाँ लोगों ने मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी, दुकानों से लोगों ने मिठाइयाँ खरीदनी शुरू कर दी। कल्ला जी के परिवार वालों ने भी मिठाइयों के ऑर्डर बुक कर दिए कि भाई आज सबको मिठाइयाँ खिलानी है और एक हंसी खुशी का माहौल, ऐसा माहौल था जो बरसों बाद शहर में देखने को मिल रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक माहौल बदला, क्या कुछ हुआ? जब ये माहौल चल ही रहा था तो जो कल्ला जी के समर्थक लोग थे वो शहर में माइक लेके अनाउंसमेंट करे थे, भाई कल्ला जी इतने हज़ार वोटों से आगे हो गए, इतने हज़ार वोटों से आगे। धीरे धीरे यूँ लगने का 15,000 के बाद जब दोबारा राउंड आया तो वो बोले 13,000 से आगे हो गए हैं, फिर आए 11,000 से आगे हो गए हैं, फिर आए 9,000 से आगे हो गए हैं। तो लोगों के मन में शंका हुई कि ये क्या हो रहा है, अचानक माहौल पलटा खाने लगा और धीरे धीरे ये होने लगा कि अब कल्ला जी 5,000 वोटों से आगे रह गए और आखिर में जब अंतिम परिणाम आए तो कल्ला जी 2,063 वोटों के आसपास से हार गए थे। पूरे माहौल में एकदम सनसनी छा गई कि ये क्या हो गया और जो चीज़ सोची थी उसके विपरीत माहौल था। और उस समय हम चूँकि चुनाव ड्यूटी में थे तो हमें यूँ लग रहा था कि भाई जो पोलिंग पार्टियां बता रही थी आके, उसने कहा था कुछ क्षेत्रों में जो अनएक्सपेक्टेड इलाके थे, जो कांग्रेस के गढ़ थे, वहाँ पे जनता दल के उम्मीदवार को वोट मिले हैं। तो उस हिसाब से लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं अनहोनी हुई है और जैसलमेर में सदैव से अनहोनी होती आई है। और जैसा कि आपके 85 के चुनाव में भी देखा होगा, सब दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां धरी रह गई थी और निर्दलीय मुल्तान राम जी जीत गए थे। उससे पहले भी सन 67 में भी राजमाता के कहने के बावजूद भी एक साधारण बाल सिंह जी ने हुकुम सिंह जी को हरा दिया था। तो ये जैसलमेर का चुनाव क्षेत्र हमेशा अविश्वसनीयता से भरा रहा है क्योंकि जनता उसी व्यक्ति को चुनती है जो उसके दिल पर राज करता है और जनता को ये लगा कि कल्ला जी के नेतृत्व में एक अच्छा जैसलमेर का विकास हो सकता है और जनता ने उसकी भरपाई भी की और 1998 में वापस कल्ला जी को 15,000 वोटों से विजयी करके जनता ने वो भरोसा कायम रखा और कल्ला जी की सेवा भावना का उन्हें
फल मिला। देखिए लगातार जो है वो चुनावी और रोचक किस्से सामने आते रहते हैं। इस बीच हम जितेंद्र सिंह से भी बात करेंगे, हालांकि गोवर्धन कल्ला अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी स्मृतियां हैं। और 1990 का वो 15,000 का आंकड़ा 1998 में फिर काम आया और कल्ला विधायक बने, लेकिन जैसलमेर की जो सियासत है वो कब बदल जाए उसका कोई भरोसा नहीं। कहते हैं सियासत संभावनाओं का खेल है, कब सियासत किस करवट बैठे ये केवल वक्त आने पर पता चलता है। रोचक किस्सा 1990 का है और इस सीरीज में हम आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ हैं, जो 1990 में जनता दल से चुनाव जीते थे। डॉक्टर साहब, किस तरह माहौल था? एक तरफ कहा जा रहा था कि कल्ला जी आगे चल रहे थे, जुगत सिंह जी जो है बगावत कर खड़े हुए थे, तो कैसा माहौल था? और जब जीत की जो खुशी थी, वो क्योंकि जीत का सहरा जो है वो लास्ट में आपके सर बंधा, ऐसी जो है वो रोचक किस्से हैं इसके बारे में। देखिए, चुनाव का माहौल तो उस समय जनता दल के पक्ष में था। जो उस समय स्थिति थी, जनता दल का गठन नया हुआ था, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल का आपस में समझौता था और जैसलमेर की सीट जनता दल को मिली थी और जनता दल का टिकट मुझे मिला था। इससे कुछ भारतीय जनता पार्टी के उस समय के कार्यकर्ता प्रसन्न नहीं थे और विद्रोही उम्मीदवार के रूप में जुगत सिंह जी खड़े हुए थे और गोवर्धन दास जी कल्ला को कांग्रेस से टिकट मिला था। तो त्रिकोणात्मक संघर्ष था, इसलिए संघर्ष काफ़ी वास्तव में संघर्षमय था। और जो मतगणना हुई है वो तो पोलिंग स्टेशंस के हिसाब से होती है, वो पोलिंग स्टेशन की जो सीरियल नंबर्स होते हैं उसके हिसाब से वोटों की गिनती होती है। तो आगे पीछे चलने का तो जिसके क्षेत्र में जिसको अधिक वोट मिले वो आगे निकला, वो निकला, पर जो फाइनल मतगणना हुई उसमें 2067 वोट से मैं आगे था। जिस तरह कहा जा रहा था, लोगों ने, उनके समर्थकों ने, पहले जुगत सिंह जी के समर्थक आगे आए, फिर कल्ला जी के समर्थक जब वो 10-12 हज़ार वोटों से लीड पर थे तो मिठाइयाँ बटी, लेकिन शाम को जुलूस निकला तो कितनी खुशी और उत्साह था जनता दल में? जीत का उत्साह तो होता ही है, जो उम्मीदवार चुनाव जीतता है उसके कार्यकर्ता उत्साहित रहते हैं, ये तो स्वाभाविक है। कल्ला जी अब संसार में नहीं है, लेकिन कहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से आप इलेक्शन आमने सामने लड़े थे, लेकिन आपके काफ़ी जो है घनिष्ठ रिश्ते थे, कैसे रिश्ते थे, क्या कल्ला जी का व्यक्तित्व था? मैं कल्ला जी का व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान और आदर करता हूँ। वो वास्तव में एक सच्चे गांधीवादी कार्यकर्ता थे और उन्होंने सदा जैसलमेर का हित अपने हृदय में रखा और हमारे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे थे। मैं उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता था और अभी भी उनको बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ। देखिए, चुनावी किस्से काफ़ी रोचक है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं और उस वक्त व्यक्तिगत रूप का जो दौर था वो एक अलग दौर था। कल्ला जी जो है वो और डॉक्टर जितेंद्र सिंह आमने सामने चुनाव जरूर लड़े थे, लेकिन कभी आमने सामने नहीं थे। उनका दोनों का ही जो मोटिव था वो था जैसलमेर और जैसलमेर की जनता का हित। लेकिन रोचक किस्सा इसलिए है क्योंकि समर्थकों में जो उत्साह होता है वो अलग तरह का होता है। पहले मिठाइयाँ बटी, लेकिन फिर जो है वो जनता दल के हाथ जीत लगी। इस किस्से को लेकर आज जैसलमेर की जो सियासत है उसकी आप स्थिति को समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर बार जो है वो सियासत अलग करवट पर जाकर बैठती है। श्रीकांत यास, एनडीटीवी राजस्थान, जैसलमेर।